जेरोक्स करा लिए हैं, देख सकते हो। तो अभी जा रहे हैं जो कि जेरोक्स लेके, देखते हैं अभी दवा भी नीचे से लेना है। अभी आ चुके देख सकते हो एक मेडिकल पे दवा लेने के लिए। तो एक दवा नहीं था दोस्तों इसका, तो ले लिए देख सकते हो, डेली का दवा है। तो, तो फाइनली हम लोग जो कि रूम पे आ चुके हैं बेबी को लेके, मैं उधर से दूध पिला के लेके आई इसके लिए। वो सो रहा है अभी बेबी हमारा, देख सकते हो कैसे दूध पे आ चुके हैं। और आप लोग के प्यार दुआ से और सपोर्ट से और आशीर्वाद से तो हम लोग जो कि सही सलामत हमारा बेबी। और बोलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी जो कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, देख सकते हैं आप, जा रहा हूँ जो कि रूम पे। और सुबह अभी जो कि 6:30 बज रहा है तो मैं रूम पे जा रहा हूँ जो कि नीमा का टिफिन लेके आने के लिए। तो मम्मी जो कि रूम पे है, खाना वाना बनाई होगी, तो अभी मैं निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ। जो कि मुँह धो लिया, फ्रेश थोड़ा हो गया, मुँह धो लिया, सोया था नीचे ही। तो अभी जा रहा हूँ जो कि, और नीमा को फ़ोन कर रहा हूँ। नीमा जो कि बेबी बॉय जो दूध पिलाने के लिए फ़ोन ही नहीं उठा रही है, तो पूछ लें क्या हुआ क्या नहीं इसके लिए। तो फ़ोन ही नहीं उठा रही थी तो क्या ही अभी पूछें। चलिए चलते हैं और अभी आएंगे लेके, तो उसके बाद देखते हैं क्या हुआ बेबी को और कब डिस्चार्ज करें क्या होगा, तो सब देखते हैं, पूछेंगे नीमा से। तो चलिए चलते हैं रूम पे। दोस्तों जाते जाते यहाँ बना चाय लेते जाते हैं, चाय लेते चाय ले लिया और रिटर्न में आ रहा हूँ। चलिए चाय दे देते हैं उसको, हमने काफ़ी थोड़ा चाय रोटी चलिए। दोस्तों ने वहाँ चाय दे दी और हमें जा रहे रोटी नीचे जा रहे रूम पर। तो चलिए चलते हैं रूम में, हमने आपको चलते रूम पर खाना। तो दोस्तों देख सकते हो जो कि मैं ऑटो में बैठ चुका हूँ और निकल चुका हूँ घर के लिए। तो नीमा को टिफिन लेके आना है इसके लिए, तो घर पे मैं जा रहा हूँ। और देखते देखते आप लोग रास्ते में हैं अभी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 से 7 मिनट लगता है ऑटो से जाने में तो इसके लिए। और इतने का ही जो कि 15 रुपये भाड़ा ले रहे थे, देख सकते हो टिफिन सब लिए हैं। दोस्तों अभी आ चुका हूँ रूम पे लेके, और देख सकते हो जो कि मम्मी खाना बना रही है। और अभी तक सोए थे लो, तो खाना बनने जा रहा है देख सकते हो। चलिए खाना बन जाता है, उसके बाद खाना ले चलेंगे। तो देख सकते हो दोस्तों जो कि इतना लंबा लाइन लगा है, और सुबह सुबह जो कि इतना लाइन लगा है। और वही मैं जो कि 8 बजे आ जाता, 8 बजे से पहले तो लाइन नहीं लगाना पड़ता। देख सकते हो गेट उधर है सामने, और इतना लंबा लाइन लगा है जाने के लिए अंदर। तो वही बोला अगर पहले आता तो इतना लंबा लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता। और तो अभी क्या ही बताएं, देख सकते हैं इतना लंबा लाइन है। और देखते हैं अभी कभी जो कि 8:30 बजे खुलता है ना, तो 8:30 बजे जो कि अंदर ही जाने देंगे। अभी 8:15 हो रहा था, तो मैं सोचा चलो अभी 15 मिनट रुक ही जाते हैं, बट नीमा का उधर जो कि टाइम भी हो रहा था खाना खाने का, तो नहीं तो 9 बजे फिर खाना ही आ जाता है। और देख सकते हो जो कि अभी 8:15 हो ही रहा है, तो इसके लिए मैं सोचा तो अभी लाइन अभी टाइम होगा तभी जो कि जाने को मिलेगा अंदर। तो जाएंगे अभी अंदर, तो नीमा को देंगे टिफिन भी। दोस्तों अभी आ चुके हैं हॉस्पिटल में, और देख सकते हो जो कि बहुत ही गर्दी लगा है, गेट बंद है, इसके लिए अंदर जाना माना है। तो इसके लिए अभी बाहर ही वेट कर रहे हैं, खाना वाना लेके आए हैं। तो 8:30 बजे जो कि एंट्री होगा, तो चलिए अभी जाएंगे अंदर। नीमा को भी भूख लगा है, खाना खा के दवा भी खाना है, तो इसे आप लोग देखते हैं अभी अंदर जाने देते हैं कभी। तो अभी तो 8:30 बजे नहीं है, तो जाने देंगे अभी सभी अंदर, देख सकते हो पीछे जब। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं हॉस्पिटल, और देख सकते हो क्योंकि नीमा भी फ़ोन की थी, बुला रही थी तो आए हॉस्पिटल, जो कि डिस्चार्ज करने के लिए बोल रहे थे, तो बोले डिस्चार्ज करने के लिए। और बेबी जो कि अच्छा हो चुका है, तो इसके लिए आए। और अभी जाना है जो कि, तो देखते हैं आज जो भी डिस्चार्ज मिल जाता है कि नहीं, तो मिलेगा तो आप लोगों को जरूर बताएंगे। और अभी जो कि आए इसके लिए, तो मम्मी को भी लेके आया, अकेले में नहीं आया, तो अगर डिस्चार्ज मिलेगा तो सामान वामान भी तो लेके जाना पड़ेगा, तो इसके लिए मम्मी को लेके आए। और नीमा को तो कुछ उठाना नहीं होगा इसके लिए, तो बेबी को भी लेके जाना पड़ेगा, इसके लिए मम्मी को लेके आया। तो मम्मी उधर है और मैं इधर जो वीडियो शूट करने लगा, तो चलिए देखते हैं कब क्या होता है। और अभी के 3 बज रहे हैं, तो देखते हैं कब क्या होता है और कब छुट्टी मिलता है, तो आप लोगों को सब बताएंगे। तो चलिए ऐसे आप लोग बने रहे ब्लॉग में, और मिलते हैं आप लोग से अभी, देखते हैं डिस्चार्ज मिलता है कि नहीं मिलता है। तो नीमा से अभी बताएंगे कॉल करके क्या हुआ, नहीं जाने का ऊपर तो नहीं जाने, देख सकते हो उधर बेबी देखिए फिर ऊपर जाने के लिए।
चलिए ऐसे बने आप लोग ब्लॉग चलते हैं, अभी देखते हैं नीमा को कॉल करते हैं क्या हुआ क्या नहीं, तो आप लोग को सब कुछ बताएंगे। दोस्तों अभी आ चुके हैं बाहर, और बाहर जो किया है इसका जो कुछ जीरोक्स कराने के लिए, तो अभी जो कि डिस्चार्ज लग रहा है मिल जाएगा, तो डिस्चार्ज करेंगे इसके लिए जो कि इसका जीरोक्स कराना है, और दवा भी कुछ लेना है नीचे से, तो दवा भी लेंगे पहले जीरोक्स करा के, गोली की दवा नीचे से लेके आइए, उसके बाद जो कि अभी देखते हैं आगे प्रोसेस, उन लोगों का भी प्रोसेस रहता तो चालू करेंगे जो भी है सब तभी देंगे। तो चलिए ऐसे बन रहे आप लोग, और देखते हैं अभी जीरोक्स करा के आते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, और दवा भी लेना है जेरोक्स करा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों अभी जो कि जेरोक्स करा लिए देख सकते हो, तो अभी जा रहे हैं जो कि जेरोक्स लेके, तो देखते हैं अभी दवा भी नीचे से लेना है तो दवा भी ले लेते हैं, तो उसके बाद मिलते हैं आप लोग से चल के ऊपर हॉस्पिटल में। तो दोस्तों अभी जो जा रहे हैं दवा लेने के लिए, और एक दवा जो भूल नहीं मिल रहा था वही लेने जा रहे हैं, चलिए वो भी लेके आते हैं और देखते हैं उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अंदर जाएंगे सब खाएंगे। अभी आ चुके देख सकते हैं चलते दवा लेने के लिए, तो एक दवा नहीं था दोस्तों इसके लिए, तो सभी दवा जो कि अभी लेना जरूरी है, तो आ चुके हैं हॉस्पिटल जो कि मेडिकल पे एक दवा लेने के लिए, तो लेके चलते हैं अभी। एक दवा नहीं मिला था तो नीचे इसके लिए लाने के लिए मेडिकल से, तो ले लिए देख सकते हो बेबी का दवा है, और अभी जा रहे हैं ऊपर 3 नंबर पे, और अभी निमा का कॉल भी आ रहा है, चलिए चलते हैं फटक से पहुँचते हैं क्या हुआ क्या नहीं, तो मिलते हैं आप लोग से चल के। तो दोस्तों फाइनली हम लोग जो कि रूम पे आ चुके हैं बेबी को लेके, और बारिश भी आ गया, मालूम है आप लोग को साथ के साथ बारिश भी आ गया, तो देख सकते हो इधर जो कि नीमा बैठी है और बेबी को जो कि मम्मी दूध पिला रही है, इधर देख सकते हो तो सोया है, जब से आया तब से सोया ही है एकदम, आधा एक घंटा हो गया ना। हाँ तो नीमा उधर से दूध पिला के लेके आई इसके लिए, वो सो रहा है अभी बेबी हमारा, देख सकते हो कैसे दूध पी रहा है, नींद में ही दूध पी रहा है तो हाँ। तो चलिए दोस्तों, और अभी हम लोग जो कि फाइनली रूम पे आ चुके हैं, और आप लोग के प्यार दुआ से और सपोर्ट से और आशीर्वाद से तो हम लोग जो कि सही सलामत हमारा बेबी और नीमा और आ गए रूम पे, तो चलिए बस इतना ही, आप लोग के दुआ से बहुत ही जो कि सब अच्छा हुआ नहीं। तो दोस्तों अभी फेस दिखाए रहे हैं आप लोग को, तो मालूम है फेस दिखाएंगे बाद में, तो नीमा पूछ रहे फेस दिखा दिए क्या, फेस दिखाया नहीं अभी, तुम्हारा फेस दिखाया हूँ मैं। तो दोस्तों बारिश भी हो रहा है मालूम है, अभी बेबी को लेके आए उधर से ही लेके आने वाले थे तभी बारिश चालू हो गया मालूम है आप लोग को, और आते आते इधर भी जो कि बारिश हो रहा है हमने लगा, तो अभी 2 बार बारिश हो चुका है, और मैं गया था जो कि नीमा बेबी के लिए पाउडर लेके आने के लिए, उधर देख सकते हो पाउडर ला के रखा हूँ, और तेल नहीं लेके आया हूँ, तो तेल भी लेके आना है, जाते अभी लेके आते हैं, और मिलते हैं आप लोग से अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। नीमा